Vardhaman Academy, an English medium co-educational senior secondary school, classes from nursery to 12th, smart classrooms, Wi-Fi computer lab, advanced maths and science labs, well-stocked library, best environment for games, yoga and music. Vardhaman Academy, Railway Road, Meerut. लोकदल की विजय संकल्प महारैली में आज उमड़ी भीड़ ने किए गए सभी व्यापक इंतजाम कमतर साबित कर दिए। भीड़ देख अति उत्साहित लोकदल के राष्ट्रीय महासचिव चौधरी बिजेंद्र सिंह ने कहा कि बिजनौर को विकसित जिला बनाने में वह कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने भीड़ से संवाद स्थापित कर सीधे सवाल किए। उन्होंने यह भी पूछा, क्या क्षेत्रीय सांसद चुनाव जीतने के बाद कभी यहां आए? जवाब नहीं मिला। क्या उनके कार्यकाल में बिजनौर की सड़कें गड्ढा मुक्त हो गई? क्या यहाँ रोजगार के अवसर पैदा हुए? क्या यहाँ की मूलभूत समस्याओं को जनप्रतिनिधि ने लोकसभा में पुरजोर तरीके से उठाया है? भीड़ ने हर जवाब दिया नहीं। इस पर विजेंद्र सिंह ने कहा कि बिजनौर लोकसभा की जनता अपने वोट की अहमियत पहचाने, किसी बाहरी व्यक्ति की बजाय ऐसे व्यक्ति को चुने जो सहज उपलब्ध हो, क्षेत्र में विकास की नदी बहा सके। क्या उन्हें वह अपना वोट देकर विजयी बनाने का आशीर्वाद हाथ उठाकर देंगे? जवाब में भीड़ ने जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दोनों हाथ उठा दिए। आज की इस चुनावी रैली ने निश्चित रूप से अन्य दलों के संभावित प्रत्याशियों के सामने लंबी लाइन खींचने का काम कर दिया है। इसके अलावा लोकदल जिस तरह पैसा बहाते हुए प्रचार में लगा है, उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाला चुनाव खासा महंगा हो जाएगा। दरअसल बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के मीरापुर में आज लोकदल ने विजय संकल्प महारैली का आयोजन किया था। रैली में भारी भीड़ भी जुटी। देखिए क्या कहा राष्ट्रीय महासचिव चौधरी विजेंद्र सिंह ने। इस बदलाव की मैं कसम खाता हूं, इस धरती पर सौगंध खाता हूं, सर्व समाज की स्थापना के लिए, इस बदलाव के लिए मेरा और पूरे लोकदल परिवार का अगर खून का एक एक कतरा भी काम आएगा तो हम अपने मरते दम तक इस खून का कतरे को देते हुए भी अफसोस नहीं करेंगे। अगर हम गन्ना मीरापुर में बो रहे हैं, अगर हम गन्ने की फसल मीरापुर में उगा रहे हैं या हस्तापुर में उगा रहे हैं या चांदपुर में उगा रहे हैं या बिजनौर में उगा रहे हैं या पुरकाजी में उगा रहे हैं, हमें हमारा अधिकार दे दो। जब हम अपना माल, अपना गन्ना, अपनी फसल अपने हिसाब से बेचने का हक मिल जाएगा तो ये पूंजीपति किसानों के घर के बाहर दुकान लगा देंगे और लाइन लगा देंगे और हमें हमारी मर्जी का रेट देंगे। देखिए आप सब लोग गवाह हैं, जो जन सैलाब लोकदल पार्टी के पक्ष में, जो सर्व समाज आज यहाँ पर इकट्ठा है, वो पूरा बिजनौर लोकसभा से आया है और सब यही चाहते हैं कि अब परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन की लहर चल पड़ी है। 100 से भी ज़्यादा गांवों से जो प्रधान आए हैं उन्होंने अपना समर्थन दिया है। ऐसा पहली बार किसी महारैली में हुआ है कि 100 से भी ज़्यादा प्रधान आकर पूरे गांव की तरफ से समर्थन दे रहे हैं। 800 गांवों की जो जनता आई वो साफ संदेश देकर गई कि अब परिवर्तन होना चाहिए, बदले की राजनीति नहीं होनी चाहिए, अब लोकसभा बिजनौर में बदलाव होगा,
और नया परिवर्तन होगा। जनता के साथ विश्वविद्यालयों की, स्कूलों की, कॉलेजों की, फैक्ट्रियों की स्थापना की जाएगी। देश विदेश से इन्वेस्टरों को आमंत्रित किया जाएगा, जो आज बिजनौर लोकसभा एक बहुत ज़्यादा मानसिक, सामाजिक और पिछड़ेपन से गुजरा है, अब इस परिवर्तन से वो बदल जाएगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता हमेशा अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती है, आप सब लोग गवाह हैं। जनता को इलाहाबाद और लखनऊ के चक्कर खाने पड़ते हैं, न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। इसलिए मेरठ हाईकोर्ट की स्थापना यहीं पर होनी चाहिए और पश्चिम उत्तर प्रदेश का नया नाम गंगा प्रदेश होना चाहिए। मैं सरकार से, दिल्ली सरकार से कहना चाहूँगा, पूरे किसान भाइयों की तरफ से, लोक दल पार्टी की तरफ से, किसान कोई भीख नहीं मांग रहा। आप महंगाई दर के हिसाब से उसका रेट तय करें और उसको अपने स्वाभिमान के साथ समझौता ना करने दे। आज किसान जागरूक है, इकट्ठा है, एकत्रित है, इसलिए मैं सरकार को याद दिलाना चाहता हूं और सरकार से कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द MSP लागू कर दी जाए। ये भीख नहीं, ये हमारा अधिकार है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.टीवी। नमस्कार।